नमस्कार दोस्त, मैं आपका होस्ट संदीप पटेल। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक अच्छाई और बुराई की स्टोरी लेके आया हूँ। आखिर अच्छाई और बुराई में क्या डिफरेंस होता है? हम जानते हैं कि हम जो अच्छा काम करेंगे वो अच्छाई है और जो हम बुरा काम करेंगे वो बुराई है। बट दोस्त, यहाँ पे आपको मैं डिफिकल्ट एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ का क्या माहौल होता है और जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ का क्या माहौल होता है, क्या डिफरेंस होता है। दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साधु होते हैं, उनका काम होता है कि अपने शिष्यों के साथ गांव का भ्रमण करना, एक गांव से दूसरे गांव में घूमना, सत्संग करना, प्रवचन करना। और जिस गांव में रात्रि हो जाती है वो साधु और उनके शिष्यगण उसी गांव में ठहर जाते हैं। दोस्त, क्या होता है, एक गांव में रात्रि हुई, साधु और उनके शिष्य उस गांव में ठहरते हैं। उस गांव के लोग बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको अपने घर ले जाते हैं, स्वागत किए, खाना पीना खिलाए, उचित स्थान दिए। दोस्त, अगले दिन जब साधु उस गांव से जाते हैं तो उन गांव वाले को आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग अलग अलग हो जाएं, इस गांव के लोग बिखर जाएं। जो उनके शिष्यगण होते हैं वो अचंभित हो जाते हैं। आखिर बताइए, इस गांव के लोग हमारा इतना सेवा सत्कार किए और हमारे गुरु जी क्या बोल रहे हैं, आप लोग अलग अलग हो जाओ, आप लोग बिखर जाओ, ऐसा क्यों? लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसा चलता रहता है। जब दूसरे दिन दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे गांव में रात्रि होती है, उस गांव के लोग उन्हें मारते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उनके साथ हाथापाई करें और उनको अपने गांव से भगा देते हैं। तो भी साधु इतने अच्छे थे कि जाते जाते उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप लोग स्थायी रहें, आप लोग इस गांव के लोग स्थायी रहें। जब साधु ऐसा आशीर्वाद देते हैं जो उनके शिष्यगण होते हैं फिर अचंभित हो जाते हैं, अरे हमारे गुरु जी को क्या हो गया, हम दूसरे गांव में गए, वहां के लोग हमारा सेवा किए, सत्कार किए, हमारे गुरु जी बोलते हैं कि आप लोग अलग अलग हो जाओ, बिखर जाओ, और इस गांव में आए हैं, यहाँ के लोग हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, और हमारे गुरु जी बोल रहे हैं कि आप लोग स्थायी रहो। उन्हीं में से उनका एक शिष्य था राजकमल, वो खड़ा होता है और बोलता है, हे गुरु जी, हमारा एक सवाल है, क्या आप हमारे सवाल का उत्तर बताएंगे? बोलते, हाँ शिष्य, पूछो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बोलते बोलते गुरु जी, आप ये बताइए, हम उस गांव में गए, वहां के लोग हमारे साथ सेवा किए, सत्कार किए, आप बोलते हैं कि आप लोग बिखर जाओ, गांव के लोग अलग अलग हो जाओ, गांव छोड़ दो, और इस गांव वाले हमारे साथ अत्याचार किए, हाथापाई किए, मारपीट किए, आप बोलते हैं कि आप लोग स्थायी रहो, ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु आप? और गुरु जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हमें मालूम था कि आप लोग ये सवाल जरूर पूछोगे, सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। देखो शिष्य, जो अच्छे लोग हैं वो जहां भी जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे, जिस भी स्थान में जाएंगे अच्छाई का मार्ग ही बताएंगे, और ये बुरे लोग जहां भी जाएंगे बुराई फैलाएंगे। इसलिए मैंने इनको बोल दिया कि आप एक ही गांव में स्थायी रहो, क्योंकि अगर ये लोग अलग अलग हो जाएंगे जहां भी जाएंगे उस गांव में बुराई फैलाएंगे। दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से क्या समझ में आया कि जहां पे अच्छे लोग होते हैं उस स्थान का माहौल कैसा होता है, जहां पे बुरे लोग होते हैं वहां का माहौल कैसा होता है? आपको कैसा बनना है आप बताइए, अच्छा बनना है कि बुरा बनना है? एक अच्छा इंसान अगर चाह ले तो अपने आसपास सबको अच्छा बना सकता है, अच्छा मैसेज दे सकता है। थैंक यू दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।